आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। इससे पहले तकरीबन हमने शायद 8 तारीख को लेसन लिया था, तकरीबन 1 महीना होने आया है ना। इसके दरमियान आपको बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया, और ईवीएस 2 तो शायद शाहीन मिस ने पढ़ाया था, आपको याद होगा है ना। ठीक है, अभी आपको समीरा मिस ने फलों की बास्केट बनाना बताया है ना, मजा आया। सुबह सुबह रंगों का इस्तेमाल, ढेर सारे रंग और फिर फ्रूट्स, वाओ है ना, अच्छा लगता है ना सबको फ्रूट्स। हाँ, फलों के बहुत सारे फायदे हैं है ना, आपको शगुफ्ता मिस ने भी अभी बताया, समीरा मिस ने भी आपको बताया। बच्चों, फल जितने खूबसूरत नजर आते हैं ना, उसके फायदे भी उतने ही ज्यादा हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, रोजाना फलों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए है ना, और उसके फायदे भी मालूम होने चाहिए, तभी तो हम लोग उसका पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे। हमारे जिस्मानी अज़ा को उसके बहुत सारे फायदे हैं, खून के लिए, स्किन के लिए और हाजमे के लिए है ना। अलग अलग फ्रूट्स क्या करते हैं, अलग अलग काम अंजाम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसने आपको आज फ्रूट बास्केट बताया, तो आप लोग क्या करेंगे, आज सभी फलों के फायदों को जानेंगे कि हमको कौन से फल बात खाने से क्या फायदा होता है ना, तभी तो हम लोग इंटरेस्ट से उस फल को खाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं। यस जैसा कि आपको शगुफ्ता मिस ने बताया कि हम लोग EVS 2 पढ़ने वाले हैं, और EVS 2 में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं बताओ, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बारे में। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं अब अपने सबक की तरफ। इससे पहले कि हम अपने सबक को शुरू करें, एक बार इंट्रो वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग दरमियान दरमियान में जवाब आप देते रहेंगे, ताकि टीचर को पता चलता रहे कि आप लोग जाग रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, हाँ स्क्रीन पे आपको कुछ डरा रहा है, कुछ डर रहा है। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आया? यस मिस, यस मिस, शिवाजी महाराज। किसकी तस्वीर है बच्चों? शिवाजी महाराज की तस्वीर है। ठीक है, अब और कुछ तस्वीरें आपको बताई जाएंगी, उनको पहचानना है और आपको बताना है कि वो कौन है। ठीक है, ये कौन है बच्चों, पहचानो तो, गौर से देखो तो, ये कौन है, कुछ याद आ रहा है? पहले अजबाक में हमने इनके बारे में पढ़ा था। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है ना, अब इस पर नाम आएगा, आप उसको पढ़कर उसको पहचान लेंगे। ये किसकी तस्वीर है बच्चों, पढ़ो तो। बाजी टांगे कुछ याद है, बजाजी नायक निम्बालकर कौन थे, शिवाजी के कौन थे, बजाजी नायक निम्बालकर शिवाजी के बच्चों, निस्बती भाई कौन थे, निस्बती भाई। हाँ, निस्बती भाई पाक में इनके बारे में पढ़ा था। अब ये दूसरी तस्वीर आपको नजर आई, यशवंत राव मोरे। अरे वाह, आप लोग को तो याद है ना, इसका नाम है यशवंत राव मोरे। अब आपको चौथी तस्वीर नजर आ रही है, ये कैसा मंजर है, कुछ याद है ना? अफजल खान। हाँ, अफजल खान है ना, कौन कब हुआ अफजल खान, क्या हुआ था कुछ याद है? अफजल खान शिवाजी का उठाया था। हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह बच्चा है ना, अफजल खान ने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाने का क्या उठाया था, बीड़ा उठाया था, और उनसे मुलाकात का इरादा किया, और मुलाकात करते वक्त उन्हें मारने की कोशिश की थी। ये वो वाला मंजर है। ठीक है, तो ये अफजल खान और शिवाजी तस्वीर आपने पिछले सबक में पढ़ी थी, ये तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आप लोग, जो शाहीन मिस ने पढ़ाया था आपको। सिद्धि जौहर, वेरी गुड, अरे वाह, सिद्धि जौहर, ठीक है, नाम याद है, शाबाश। ऐसे ही गौर से पूरा सबक को सुनना है और बाद में आपको जवाब भी देने हैं। ठीक है, ये है कौन, सिद्धि जौहर। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ ये तमाम लोग कौन थे और क्यों आए थे, चाहे यशवंत राव हो, चाहे बजाजी नायक निम्बालकर हो, चाहे अफजल खान हो, या फिर सिद्धि जौहर, ये तमाम लोग कौन थे और क्यों आए थे शिवाजी के पास, कौन थे ये लोग, बोलो। अफजल खान अपना किला लेने के लिए शिवाजी महाराज के पास आया था। हाँ ठीक है, और बाकी लोग, बाकी लोग कौन थे, ये किसी ना किसी हुक्मरान के क्या थे, सरदार थे ना बड़े बड़े, और वो हुक्मरान क्या थे,
शिवाजी से परेशान थे, है ना। शिवाजी क्या कर रहे थे, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए एक एक जो इलाके थे वो क्या कर रहे थे, अपने कब्जे में ले रहे थे। तो क्या करते हैं वो हुक्मरा या वो बादशाह लोग, क्या करते हैं, शिवाजी को पकड़ने के लिए इन सरदारों को भेजते हैं, है ना। ये सब तमाम क्या है, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिवाजी से क्या किया, मुकाबला किया, है ना। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर बजाजी नायक निम्बालकर जो थे, है ना, और कैसे मुकाबला किया वो भी सुनेंगे आप छोटी सी एक नज़म के जरिए। ठीक है, नंबर एक हमने किसको देखा, बजाजी नायक निम्बालकर। नंबर दो किसको देखा, यशवंत राय। नंबर तीन किसको देखा, अफजल खान। और नंबर चार किसको देखा, सिद्दी जौहर। तो हम देखेंगे, हाँ अब गौर से सुनेंगे बच्चों, बजाजी नायक थे निस्बत की भाई, फिर भी शिवाजी से की लड़ाई। बजाजी नायक क्या थे, उनके भाई थे, उनके निस्बती भाई थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या की थी, उनसे लड़ाई की थी और शिवाजी ने उन्हें भी मार भगाया था, है ना, दूसरी जगह। ठीक है, उसके बाद आए थे यशवंत राव। यशवंत राव को राजा बनाया, फिर भी उससे धोखा खाया। हमने पढ़ा था ना बच्चों के, दौलत राव के मरने के बाद शिवाजी ने यशवंत राव को मदद की थी राजा बनने में, लेकिन यशवंत राव ने राजा बनते ही, गद्दी पर बैठते ही वादा खिलाफी की थी, शिवाजी को भूल गए थे, है ना बच्चों। उसके बाद आए अफजल खान। अफजल खान ने चालाकी दिखाई, फिर भी उसने मुंह की खाई। जैसा कि हमने पढ़ा कि अफजल खान उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं बड़े प्यार से, और आने के बाद क्या करते हैं, उनकी गर्दन दबाकर बगल में उन्हें मारने की कोशिश करते हैं ना, तो इस तरह से धोखेबाजी करते हैं। उसके बाद आए सिद्दी जौहर। सिद्दी जौहर ने भी सताया शिवाजी महाराज ने, उसे भी मजा चकाया। तो ये ऐसे कुछ लोग थे, ऐसे कुछ सरदार थे जिन्होंने शिवाजी को मारने की या पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम को क्या किया शिवाजी ने बच्चों, या तो मार भगाया या फिर ऐसा सबक सिखाया कि वो लोग दोबारा नहीं आए। हाँ, हमारा ये सब जानने का ये है, यहाँ पर आपको एक तस्वीर और नजर आ रही है, क्या है वो तस्वीर देख रहे हैं, अगली तस्वीर कौन सी नजर आई आपको, क्या नजर आया बच्चों, अगली तस्वीर कौन सी नजर आई बच्चों, क्वेश्चन मार्क। आवाज आ रही है मेरी, क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये सरदार तो आए, इनके अलावा और भी बहुत सारे सरदार आए, है ना। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सरदार आए, क्या मालूम है इनके बाद कौन सा सरदार आया आपको मालूम है, बाजी प्रभु। बाजी प्रभु, अच्छा ठीक है, वो सब तो क्या थे, शिवाजी के ही साथी थे। यहाँ पर शिवाजी से लड़ने के लिए किसको भेजा गया, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये तमाम सरदारों को क्या किया शिवाजी ने, क्या किया शिवाजी ने, शिवाजी इन सबको क्या हो गए, इन सबको क्या कर दिया, हाँ क्या किया बच्चों, हाँ मार भगाया या क्या कर दिया, हरा दिया। अगर सामने वाला हार जाता है तो शिवाजी क्या हो गए बच्चों, हरा दिया, हरा तो दिया, वो लोग हार गए, वो सरदार क्या हो गए, हार गए। और शिवाजी क्या हो गए बच्चों, एक हारता है तो एक क्या होता है, जीत जाते हैं। जीतना यानी कामयाब हो जाना, है ना। वो लोग नाकाम हो गए और शिवाजी क्या हो गए, जीत गए और कामयाब हो गए। अच्छा बच्चों, कामयाब लफ्ज के लिए आपको मालूम है कोई और लफ्ज कौन सा आता है, उर्दू में कोई और लफ्ज आता है कामयाब के लिए, जीत जाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, आप लोग को नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप भूलेंगे नहीं। क्या बच्चा, किसने बोला है ना, जिसके माइक से आवाज आ रही है प्लीज ऑफ करें, प्लीज। मिस, किसी बच्ची के माइक पे आवाज आ रही है। ठीक है, अब दरमियान में नहीं बोलेंगे। हाँ बच्चे, तो मैं बोल रही थी कि कामयाब के लिए या जीत जाने के लिए कोई और लफ्ज है हमारे पास उर्दू में, आपने कभी पढ़ा है, अभी किसी ने जवाब दिया था वो सही था, कोई और लफ्ज है ऐसा। चलो आप लोग को नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। कामयाब का मतलब होता है या जीत जाने का मतलब होता है शाइस्ता। तो हमारा जो अगला सबक है बच्चों वो भी यही है, इन तमाम सरदारों के बाद जो सरदार आए थे ना शिवाजी को पकड़ने के लिए, उनका नाम भी शाइस्ता था, और शिवाजी ने इन तमाम सरदारों की तरह शाइस्ता खान का भी कैसा हाल किया, बुरा हाल। तो बच्चों हमारा आज का सबक भी यही है, जिसका नाम है शाइस्ता खान की दुर्गत।
गौर से सुनेंगे, दुर्गत का क्या मतलब होता है बच्चों? बुरा हाल। क्या मतलब होता है बच्चों? रिपीट करेंगे, बुरा हाल। तो हम पढ़ते हैं बच्चों आगे, हमारा ये टू का सबक है शाइस्ता खान की दुर्गत, जो अमल तीन सफात पर मुश्तमिल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधा सबक, जिसमें शाइस्ता खान के बारे में तफसीली मालूमात है, लेकिन शाइस्ता खान की रवानगी के बारे में मालूमात है, पहले हम शुरुआत में वो पढ़ेंगे, ठीक है? पहला हमारा पॉइंट है बच्चों, शाइस्ता खान का हमला। क्या है बच्चों? शाइस्ता खान का हमला। स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आ रही है। आदिल शाह को गुस्सा आया, शिवाजी ने सरदारों को सबक सिखाया। हम जानते हैं उस वक्त कौन थे वहां के राजा, वहां के हुक्मरान? आदिल शाह। कहाँ के? बीजापुर के। आदिल शाह बीजापुर में होते हैं, और वही एक एक सरदार को क्या करते हैं? शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजते हैं, जैसे कि अफजल खान, सिद्दी जौहर और उसके अलावा जो सरदारों के बारे में हमने पढ़ा। तो वो क्या करते हैं? एक एक करके शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजते हैं। लेकिन क्या बच्चों, वो तमाम सरदार या तो मारे गए या फिर भाग खड़े हुए, है ना? क्या हुआ बच्चों? या तो वो सरदार मारे गए या फिर वहां से डर के मारे भाग गए, ठीक है? अब सादिक खान ने बार बार सरदारों को भेजा, तो जाहिर सी बात है बार बार हार कर आएंगे, मारे जाएंगे, तो क्या होगा? शिवाजी पर आदिल शाह को क्या आता है? गुस्सा आता है कि ये क्या कर रहा है, बार बार हमारे साथियों को या सरदारों को मार दे रहा है या भगा दे रहा है, ठीक है? आदिल शाह को क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आखिर की आदिल शाह ने नरमी अख्तियार, शिवाजी की तस्लीम की, हुकूमत खुद मुख्तार। हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शिवाजी ने कौन सी हुकूमत कायम की थी बच्चों? खुद की हुकूमत, स्वराज, यानी खुद की हुकूमत, है ना? ये आदिल शाह भी क्या हो जाते हैं, भेज बैठे परेशान हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आता है कि शिवाजी तो क्या है, किसी से मान ही नहीं रहे, ना हर एक को क्या कर रहा है, हराता जा रहा है, भगाता जा रहा है, मारता जा रहा है। लेकिन इतना गुस्सा आने के बाद भी क्या करते हैं? अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, अपने मिजाज में नरमी लाते हैं, और ये समझ जाते हैं कि शिवाजी को पकड़ना या हराना नामुमकिन है, मुश्किल है, तो क्या कर लेनी चाहिए? उसके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। सुलह यानी क्या बच्चों? दोस्ती, हाथ मिलाना। क्या करना? हाथ मिलाना। सुलह दुश्मनी नहीं करना, बल्कि क्या कर लेना? बुराइयों को खत्म करके आपस में मिल जाना, है ना? सुलह तस्वीर नजर आ रही है ऊपर, सुलह करते तो क्या करते हैं हम लोग? हाथ मिलाते हैं ना, देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है? तो इस तरह से आदिल शाह क्या करते हैं? नरमी अख्तियार करते हैं और शिवाजी के साथ क्या कर लेते हैं? सुलह कर लेते हैं। और सुलह किस पर मुबनी होती है? वो शिवाजी की हुकूमत को क्या कर लेते हैं? तब्दील कर लेते हैं कि हाँ, वो तुम्हारी जो मुख्तार हुकूमत है वो तुम चलो। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। हाँ या ना में जवाब देंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे। क्या हुआ यहाँ पर? आदिल शाह और शिवाजी के दरमियान सुलह हो जाती है, समझौता हो जाता है। आप लोग को अभी तस्वीर नजर आ रही है स्क्रीन पर? स्क्रीन पर तस्वीर नजर आई बेटा? हाँ। शिवाजी ने फिर रुख किया शुमाल, हमलों से महाराष्ट्र का किया बुरा हाल। शिवाजी, यहाँ पर आदिल शाह जब सुलह कर लेते हैं तो शिवाजी क्या हो जाते हैं? बेफिक्र हो जाते हैं कि अब तो आदिल शाह की फौज क्या करेगी? हमें परेशान नहीं करेगी या कोई भी हमला नहीं करेगी। वो क्या करते हैं? महाराष्ट्र का जो शुमाली हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा, कुतुबैन का हिस्सा, उस तरफ रुख करते हैं, ना उस तरफ के बारे में सोचते हैं कि उन इलाकों में क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों? तो वो शुमाल की जानिब क्या करते हैं? शिवाजी तवज्जा करते हैं, है ना, कि वहां पर, वहां के इलाकों में क्या चल रहा है। तो जिस वक्त वो शुमाल की तरफ तवज्जा करते हैं, तो उस वक्त वहां के जो हुक्मरान होते हैं वो कौन होते हैं पता है आप लोगों को? स्क्रीन पे नजर आ रहा है कौन होते हैं वहां के हुक्मरान? देखो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कौन होते हैं बच्चों? शुमाल के मुगल शाह, बाई तरफ शिवाजी क्या करते हैं? शुमाल की तरफ मुतवज्जा होते हैं, वहां ध्यान देते हैं कि वहां के इलाकों पे क्या चल रहा है ना।
तो वहां पर जब वो देखते हैं तो वहां के हुक्मरा औरंगजेब होते हैं, है ना। कहाँ के? दिल्ली के हुक्मरा। कहाँ के हुक्मरा बच्चों? दिल्ली के हुक्मरा कौन होते हैं? औरंगजेब होते हैं। नाम याद रखेंगे, शुमाल में जब वो मुतवजा होते हैं तो वहां के हुक्मरा कौन होते हैं बच्चों? औरंगजेब होते हैं। और जब वो शिवाजी वहां पर मुतवजा होते हैं तो वो देखते हैं कि औरंगजेब की जो फौज है वो हमला कर करके कर करके उन इलाकों का क्या कर देती है? बुरा हाल कर देती है। किन इलाकों का? शिवाजी के इलाकों, है ना, दिल्ली के उन इलाकों का क्या कर देती है? औरंगजेब की जो फौज होती है वो बुरा हाल कर देती है। इसकी वजह से क्या होता होगा? अब कहीं पर जंग होती है तो क्या होता है? बुरा हाल कैसे हुआ? बुरा हाल कैसे हुआ? जंग से बुरा हाल क्यों होगा? अगर जंग होती है कहीं पर तो क्या होगा, है ना, क्या होगा बच्चों? हाँ, जाहिर। तो अगर किसी जगह लड़ाई लड़ी जाए तो वहां का माहौल कैसा होगा? लोग डरे सहमे होंगे, जानी माली नुकसान होगा, हवा और जमीन भी आलूदा होगी, क्योंकि जंग में तो बारूद का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों वहां का हाल कैसा हो जाता है? बुरा हो जाता है। इन तमाम बातों से शिवाजी को बहुत गुस्सा आता है कि औरंगजेब की फौज और औरंगजेब क्या कर रहे हैं, मेरे इलाकों का एकदम बुरा हाल कर रहे हैं। तो शिवाजी भी क्या करते हैं, अमल का रद्द अमल होता है ना, तो शिवाजी भी क्या करते हैं, औरंगजेब की फौज पर या उनके इलाकों पर क्या करते हैं, हमले करते हैं, है ना। अमल का रद्द अमल होता है ना, कोई हमें मारता है तो हम भी मारते हैं, मारते हैं, सबका रिएक्शन अलग अलग होता है ना, अपने मिजाज के हिसाब से हम क्या करते हैं, रद्द अमल करते हैं। अगर कोई किसी को मारता है तो किसी का मिजाज कैसा होता है कि रिप्लाई में मारता है, और कोई कैसा होता है जाने देता है, चलो ठीक है, है ना, होता है कि नहीं सब? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपकी क्लास की बात कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, है ना, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग ना। आप हमारी सहेली है क्लास में, अगर कोई एक्शन करती है तो उसके बदले कभी कभी हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर औरंगजेब की जो फौज थी बच्चों, उसने जब महाराष्ट्र के दिल्ली के इलाके का क्या किया, बुरा हाल किया, तो शिवाजी ने भी क्या किया, रद्द अमल में आकर उनके इलाकों पर हमला किया, और इतने ज्यादा हमले के औरंगजेब क्या हो जाते हैं, शिवाजी से परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर आप मंजर देख रहे हैं दरमियान में जंग का, औरंगजेब शिवाजी के हमलों से हुए परेशान, औरंगजेब क्या हो जाते हैं, शिवाजी के हमलों से परेशान हो जाते हैं, हमले के लिए रवाना हुए मामू शाइस्ता खान, और आखिर क्या करते हैं, शिवाजी पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में आकर क्या करते हैं, अपने मामू शाइस्ता खान को, शिवाजी को पकड़ने के लिए, शिवाजी पर हमला करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, वो रवाना करते हैं। बाईं तरफ आप देख रहे हैं औरंगजेब की तस्वीर है, दरमियान में आप देख सकते हैं शाइस्ता खान। ये कौन है? दोनों मामू भांजे। कौन है बच्चों ये दोनों? मामू भांजे। औरंगजेब कौन है? भांजा है, और शाइस्ता खान कौन है? मामू है। तो औरंगजेब जो होते हैं वो शिवाजी को पकड़ने के लिए किसको भेजते हैं? अपने मामू शाइस्ता खान को पकड़ने के लिए। अच्छा बच्चों, मामू कौन होते हैं? हमारे भी तो मामू होते हैं ना, कौन होते हैं वो? अम्मी के भाई रहते हैं। अम्मी के भाई। हाँ, अम्मी के भाई है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा चाचा कौन होते हैं बच्चों? चाचा कौन होते हैं? पापा के भाई। अरे वाह, आप रिश्तेदारियों का बड़ा पता है ना, वेरी गुड। चलो यहाँ तक आप लोग समझ में आया? यस मिस। हमने हाँ वहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया या कितना समझ आया, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल देखते हैं, उसके बाद हम लोग अगले हिस्से पर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आप लोग मुझे पहले सवाल का जवाब देंगे, दुर्गत यानी क्या? हमारे सवाल सबक में ही हमने ये सबक के नाम में हमने ये लफ्ज पढ़ा था, दुर्गत यानी बुरा हाल करना, बुरा हाल करना, बुरा हाल करना। सवाल नंबर दो पर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, दिल्ली के मुगल शहंशाह का नाम क्या था? दिल्ली के मुगल शहंशाह शुमाल की तरफ रुक गया था ना, वहां पर किसकी फौज थी, किसने बुरा हाल किया था, जल्दी बताएंगे, दिल्ली के मुगल शहंशाह का नाम क्या था? दिल्ली के मुगल शहंशाह का नाम, तस्वीर देखी ना आपने? यस मिस। हाँ अभी तस्वीर देखे, दिल्ली के मुगल शहंशाह का नाम क्या था? जीब हुकरा औरंगजेब, है ना, और
दिल्ली में मुगल शहंशाह और रंग और रंग बेटा जैनब नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। चलो कोई बात नहीं, निकल गए तो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनेंगे। दिल्ली के मुगल शहंशाह का नाम था औरंगजेब, क्या था? शहंशाह औरंगजेब। शहंशाह का मतलब बादशाह ही होता है, शहंशाह। ठीक है, शहंशाह ने शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए किसे रवाना किया, किसे भेजा औरंगजेब ने? औरंगजेब ने भेजा था ना शहंशाह को भेजे, नहीं शहंशाह ने किसे भेजा था? अपने मामू को भेजा था ना, मामू का नाम क्या था? हमारे मामू को भेजा था, शाइस्ता खान को भेजा था। बच्चों ऐसे आधे अधूरे जवाब नहीं मिलने चाहिए, इसीलिए गौर से सुना करो। ठीक है, जवाब सही है, पर चलो वेरी गुड, अभी आपने जवाब दिया, अच्छी बात है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है एक नजर। खान बड़ी फौज के साथ पुणे आए, हाथी ऊंट तोपे साथ लाए, मरोड़ शिवापुर सासोड़ पर कब्जा जमाए। यहाँ पर शाइस्ता खान क्या करते हैं? शिवाजी को पकड़ने के लिए, हमले के लिए निकल पड़ते हैं। क्या करते हैं? निकल पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमले के लिए जा रहे हैं, जंग करने जा रहे हैं, किसी को पकड़ने जा रहे हैं, और वो शिवाजी जो इतने सारे सरदारों को भगा चुका है, मार चुका है ना शिवाजी महाराज को, तो बहुत सारी तैयारी करनी होगी बच्चों। तो वो भी क्या करते हैं, अपने साथ एक बड़ी सी फौज लेते हैं। अब बड़ी फौज यानी उसमें बहुत सारे सिपाही होते होंगे। कितनी फौज होती है पता है आप लोग को? 5,00,000 फौज। कितनी फौज होती है बच्चों? 5,00,000। रिपीट करो, कितनी बच्चों? 5,00,000। 5,00,000 का मतलब बताओ तो मुझे, मुझे तो नहीं पता 5,00,000 का मतलब, पता है किसी को? 5,00,000 पूरा, 1,00,000 पूरा नहीं होता, उसमें कुछ कम होता है। कितना हिस्सा कम है? मैथ्स में पढ़ते हैं ना आप लोग, रियाजी में पढ़े ना हम लोग ने, इकाई दहाई सैकड़ा लाख 10,00,000 पढ़ते हैं कि नहीं? पाव और पौन में फर्क होता है, पाव 3 बार मिलाते हैं तो पौन बनता है, पाव पाव आधा होता है, और आधा और पाव पौन होता है। ठीक है बच्चों, तो 5,00,000 जो फौज होती है यानी 75,000। कितने सिपाही बच्चों? 75,000। रिपीट करो, 75,000 सिपाही के साथ वो क्या करते हैं? पुणे के लिए निकल पड़ते हैं, शिवाजी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फौज ही नहीं बच्चों, उनके साथ और क्या क्या चीजें थी, है ना? कहाँ के लिए निकले वो शाइस्ता खान? पुणे के लिए निकले। कहाँ के लिए निकले? पुणे के लिए। पुणे के लिए फौज में शामिल। हाँ, 75,000 5,00,000 सिपाही, और क्या क्या शामिल था? देखो तस्वीर नजर आ रही है, आप लोग बताओ क्या शामिल होगा? शामिल होगा हाथी। अच्छा, ये ऊंट और हाथी चलते हुए देखे आप लोग ने कभी? ऊंट और हाथी चलते हुए देखे आप लोग ने? चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग देखते हैं। देखो ऊंट फौज तो थी, उसके अलावा ऊंट थे, हाथी थे, उसके अलावा और क्या नजर आ रहा है आपको आपकी तस्वीर? तो गोला बारूद जाता है दूर के इलाकों तक, है ना? तो फौज भी थी, हाथी भी थे, ऊंट भी थे, और तोपे भी थी। ठीक है, आपने आवाज आई? कोई आवाज आई हाथी की? आई के नहीं? रिप्लाई में कुछ बोलते नहीं हो आप? नहीं आई। अच्छा चलो, हाथी को चलते हुए देखे आपने? देख रहे हैं? यस टीचर। हर किसी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता, बल्कि किसे चढ़ने देता है? जो ट्रेन होता है, जो हाथी को संभालने वाला होता है, जिसको हम लोग उर्दू में महावत भी कहते हैं, है ना? ठीक है, तो ऐसे हाथी। अब क्या नजर आया आपको? ऊंट आया, ऊंट नजर आया। क्या आवाज सुनी आप कभी? कैसे बोलता है पता है आप लोग को? सुने आवाज कभी? आवाज आई मी, यस मिस आई, यस मिस। हाँ ना, उसकी आवाज ऐसी होती है। ठीक है, तो ऊंट आपने चढ़े हुए देखे।
है ना, और उसकी आवाज भी सुनी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। उसके अलावा और क्या था बच्चों? तोप। अपने तोप की आवाज सुनी, शाइन मिस ने बताए थे आप तोप की आवाज सुनाए थे ना आपको शाइन मिस ने। आवाज होती है आपको जरा बताओ तो निकाल सकते हैं तोप की आवाज? हाँ बच्चों, अभी किसी ने कहा ना मुझे याद है। चलो कोई बात नहीं, देखो ऐसी आवाज थी क्या मिस ने बताए थे? हाई आवाज। हाँ मी, यस मिस, यस मिस, ऐसी थी बच्चों। तो ऐसी आवाज, ठीक है, दूर के इलाकों का गोला बारूद फेंकने के लिए जंग में जो इस्तेमाल की जाती है वो गोला बारूद की ऐसी आवाज होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? जहन में रहेगा कौन लाखौर हाथी और लेकर शाइस्ता खान कहाँ के लिए निकले? पूना के लिए निकले। कहाँ के लिए निकले बच्चों? पूना के लिए। हाँ, ये महाराष्ट्र का नक्शा है, उसमें पूना के इलाके के लिए क्या हो जाते हैं शाइस्ता खान क्या हो जाते हैं? निकल पड़ते हैं अपनी फौज को लेकर। और पूना पहुंचने से पहले स्क्रीन पर आपको नाम नजर आ रहा है? कोई पढ़ के बताएगा मुझे? चलो चलो ठीक है, और शिवापुर पर कब्जा जमाया, ताकि आवाज साफ साफ नजर आए। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। शाइस्ता खान ने शिवापुर पर कब्जा जमाया। ठीक है बच्चों? ठीक है, जैसा कि मिस कह रहे हैं वैसा करेंगे, जो भी सवाल पूछा जा रहा है अगर तमाम ना बोल पाए तो आप चैट बॉक्स में भी आपके जवाब डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूना पहुंचने से पहले रास्ते में जो मुकाम आते गए ना शाइस्ता खान ने क्या किया बच्चों? उस पर भी कब्जा जमा लिया। अब दरमियान में कौन कौन से इलाके आए? शिरोड, सासोर और शिवापुर। कौन कौन से इलाके, रिपीट करो बच्चों? शिरोड, शिवापुर, सासोर। नौ इलाकों पर क्या किया शाइस्ता ने? पूना पहुंचने पर भी क्या किया बच्चों? कब्जा जमा लिया। उसके बाद शाइस्ता खान जो कहाँ पहुंचते हैं? पुरेंदर किले पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं बच्चों? पुरेंदर किले पर। पुरेंदर किले पर, पुरेंदर किले का किया मुआसरा शाइस्ता को पहाड़ के दुर्रे में घेरा। यहाँ पर क्या किया? पुरेंदर किले का किया मुआसरा। शाइस्ता खान क्या कर रहे हैं? पुरेंदर किले का मुआसरा कर लेते हैं शाइस्ता खान और उनकी। मुआसरे का मतलब? हाँ बताओ बताओ, शाबाश बेटा, सवाल से पहले जवाब बहुत अच्छी बात है। मुआसरे का क्या मतलब होता है बताना है आपको? पहले बात में आपको बताया जा चुका है, मालूम है मुआसरा मतलब क्या होता है? चलो अभी मुआसरे का मतलब ना आप ये तस्वीर देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। स्क्रीन नजर आ रही है, ये है पुरेंदर का मुआसरा। अब क्या हो गए सिपाही? क्या हो रहे? देखो सिपाही क्या कर रहे हैं? बाहर पहरा दे रहे, पहरेदारी कर रहे, पहरेदारी कर रहे। चारों तरफ से क्या कर लिया उन्होंने किले को? लिया, चारों तरफ से क्या कर लिया किले को? घेर लिया। क्या बोलते हैं बच्चों? मुआसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुआसरा बोलते हैं बच्चों, मुआसरा बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आज। तो इस तरह से शाइस्ता खान के जो साथी थे, जो फौजी थे, उन्होंने पुरेंदर किले का क्या कर लिया? मुआसरा कर लिया। किले को क्या कर लिया? घेर लिया। मराठा थे बहुत तेज तर्रार, शाइस्ता को आखिर माननी पड़ी हार। शाइस्ता खान के साथ भले ही बड़ी फौज थी, 75,000 सिपाही थे, 5,00,000 फौज थी, हाथी थे, ऊंट थे, तोपे थी, लेकिन यहाँ पर मराठी फौज कैसी थी? एकदम तेज तर्रार। हम लोग शुरुआत पढ़ते आ रहे हैं ना कि वो लोग चटनी रोटी खाते थे, शिवाजी के साथी थे, कंबल ओढ़ बहुत तेजी से पहाड़ों पर चढ़ जाया करते थे, बड़े फुर्तीले होते थे, लोग पत्थर फेंकने में माहिर भी थे। हाँ, पत्थर फेंकने में भी वो लोग क्या थे बच्चों? बहुत माहिर थे, माहिर थे, यानी जंग के तमाम तरीके जानते थे, पहाड़ों में
छुप कर कैसे लड़ाई करनी है, कैसे पत्थरों से वार करना है, कैसे पहाड़ों पर तेजी से चढ़ जाना है। हम पिछले सप्ताह में बहुत सारी उनकी क्या है जंगी खूबियों चालाकियों के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों? ठीक है, तो ये लोग तो क्या थे, जंग के आदि थे और बहुत ज्यादा क्या थे, तेज और तर्रार थे। कैसे बच्चों मराठा कैसे थे बच्चों, रिपीट करेंगे ये लफ्ज आपको पर्चे में आए। हाँ, तेज और तर्रार थे। तो क्या हो जाता है, भले ही बड़ी होती है लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, मराठों के आगे उनकी एक नहीं चलती। दुर्रे में मराठा शाइस्ता खान के सिपाहियों को क्या कर लेते हैं बच्चों, घेर लेते हैं। ये पहाड़ों के दरमियान का ना मैदानी इलाका वो क्या कहलाता है, दुर्रा कहलाता है। तो ये जो पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा होता है यहाँ पर क्या करते हैं, ये कौन है, कौन से सिपाही नजर आ रहे हैं हमें, कौन से सिपाही नजर आ रहे हैं बच्चों हमें, शाइस्ता खान के सिपाही। शाइस्ता खान के सिपाही यहाँ पर होते हैं और इनको कौन घेर रहा है, देखो तो जरा कौन घेर रहा है आकर, मराठा सरदार बाजी महाराज के सिपाही घेर रहे हैं। बाजी महाराज मराठा सरदार दुर्रे में इन्हें आकर घेर लिया। कहाँ पर घेरा, लफ्ज को रिपीट करेंगे, कहाँ पर घेरा इनको, शाइस्ता खान के सिपाही। हाँ, दुर्रे में क्या कर लेते हैं, इनको आकर घेर लिया। उसके बाद क्या होता, क्या सिर्फ खड़े रहेंगे, नहीं, दोनों के दरमियान क्या होगी, लड़ाई, दोनों के दरमियान में, हाँ बेटा लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, बड़ी घमसान की लड़ाई होती है। घमसान यानी बड़ी ही जोरदार लड़ाई होती है, है ना, कैसी लड़ाई होती है बच्चों, जोरदार लड़ाई, हाँ बड़ी ही जोरदार घमसान की लड़ाई होती है। और मराठा तो क्या होते हैं, जंगी चालाकियों से खूबी वाकिफ होते हैं, बहुत चालाक होते हैं ना। तो आखिरकार क्या होता है, शाइस्ता खान फौज को हार माननी पड़ती है, शाइस्ता खान को हार माननी पड़ती है, पीछे हटना पड़ता है। और शाइस्ता खान के साथियों ने क्या किया था, पुरेंदर किले का मुहासरा किया था ना, उसे घेर लिया था ना। तो आखिरकार हार के क्या करना पड़ता है, उन्हें पहरा हटाना पड़ता है। हटाने के लिए क्या करेंगे, सिपाही क्या हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, हट जाएंगे। हाँ देख, ऐसे क्या करते हैं शाइस्ता खान के सिपाही, क्या कर लेते हैं, हट जाते हैं, है ना, हट जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया आप लोग को, ठीक है? तो कुछ अभी सवाल के आप लोग जवाब आगे हम लोग देंगे आगे। चलो आप लोग मुझे बताएंगे कि शाइस्ता खान के साथी साथ जो कितनी फौज थी, कितने फौज लेकर आए थे शाइस्ता खान, 7,075 7,075 सही है, ठीक। और एक और तरीके से कैसे बोलेंगे, अगर हमको लाख में बोलना है तो कैसे बोलेंगे हम लोग 75,000 को, कितने लाख, वो लफ्ज था एक 75,000 को, और क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, पौन, पौन क्या आगे लाख, पूरा लफ्ज पौन लाख बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, लाख मतलब होता है पौन लाख का भी वही मतलब होता है। चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं, शाइस्ता खान ने किस किले का मुआसिरा किया, किस किले के बारे में पढ़े अभी हमने, शाइस्ता खान की फौज किसको घेरा था, किससे मुआसिरे को हटाया था, कौन सा किला था, अभी तो पढ़े हम लोग ने, कौन सा किला था, पे से नाम आता है, अभी पढ़े हमने प्रताप, प्रतापगढ़ तो हमने अभी नाम लिए ही नहीं लेसन में एक बार भी। चलो जल्दी सोचेंगे, अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई। हाँ बेटा पुरेंदर है, पुरेंदर है, क्या है, पुरेंदर नंबर 3 ने शाइस्ता खान को कहाँ घेरा था, कहाँ घेरा था, कहाँ घेरा था, वेरी गुड, कहाँ घेरा था बच्चों, दुर्रे में, दुर्रे में। कैसे थे मराठी सिपाही, तेज और तर्रार थे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला पॉइंट जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कोई मुझे पढ़ के बताएगा ना क्या लिखा हुआ है,
रंगोजी नरसाला, फिरंगोजी नरसाला, वेरी गुड। यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आई फिरंगोजी नरसाला की बाईं तरफ, ये फिरंगोजी नरसाला। अब हमारा अगला पॉइंट यही है, हम इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूना की तरफ। हमने देखे इस पहले कि शाइस्ता खान की फौज क्या हो जाती है, मराठों से हार मान लेती है और पूना से क्या हो जाती है, निकल जाती है, पूना की तरफ कूच करती है, वहां से निकल जाती है ना, पुरेंदर किले से निकल जाती है और कहाँ पर कूच करती है, पूना की तरफ। कूच करना यानी वहां के लिए निकल जाना। खान पूना की जानी बढ़े, क्या हुआ बच्चों, खान पूना की जानी बढ़े, फतेह किया किला चाकन पहले, वहां पर पुरेंदर का मुहासरा किया था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाकन किला, नाम रिपीट करेंगे ताकि आपके जहन में रहे, आप लोग भूल जाते हैं ना, रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चाकन किला, यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, पूना से क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, शाइस्ता खान कर रहे हैं पूना के लिए निकल पड़े, पूना पहुंच गए। अब वहां पर कौन सा किला फतेह किया, चाकन का किला, किसने फतेह किया बच्चों, शाइस्ता खान ने, किसने किला फतेह किया बच्चों, रिपीट करेंगे, चाकन घेरा था, सिर्फ घेरा था किसको, पुरेंदर को, लेकिन फतेह किसको किया, चाकन के किला। अब हम बढ़ते हैं आगे, सरदार थे चाकन के फिरंगोजी नरसाला, दो महीनों तक मुकाबला किया आला। वहां के जो सरदार थे चाकन किले के, वहां के सरदार कौन थे, उनका नाम था फिरंगोजी नरसाला, जैसे कि हमने आपको बताया कि फिरंगोजी के चाकन का किला जो था, जिसे शाइस्ता खान ने क्या किया, फतेह किया या उस पर हमला किया, तो वहां के जो सरदार थे उसका नाम क्या था बच्चों, फिरंगोजी नरसाला, ठीक है। तस्वीर नजर आ रही है, फिरंगोजी नरसाला की तस्वीर है बाईं तरफ और चाकन के किले की है दाईं तरफ। तो ये क्या करते हैं, शाइस्ता खान की फौज किले पर हमला करती है और वहां का जो सरदार होता है, जो देख रेख करने वाला होता है, उसका नाम तो आपको मालूम है फिरंगोजी नरसाला था। तो उसकी फौज के, उसके सिपाहियों के दरमियान और शाइस्ता खान के सिपाहियों के दरमियान भी खूब घमसान की लड़ाई होती है, बहुत जोरदार लड़ाई होती है। और इतनी जोरदार लड़ाई होती है बच्चों कि वो लड़ाई कितने महीनों तक चलती है, पूरे दो महीनों तक चलती है। क्या चली दो महीने, क्या लड़ाई, हाँ घमसान की लड़ाई। और कहाँ पर हुई ये लड़ाई, चाकन के किले पर, कहाँ पर हुई चाकन के किले में, हाँ चाकन के किले में घमसान की लड़ाई होती है। लेकिन आखिरकार क्या होता है बच्चों, सिपाही बहुत अच्छे से लड़ते हैं, घमसान की लड़ाई लड़ते हैं, मराठा बहुत मजबूत भी होते हैं। लेकिन बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, पढ़ चुकी थी कि शाइस्ता खान के पास फौज भी थी, गोला बारूद भी, यानी कि तो नरसाला के जो सिपाही होते हैं वो कम होते हैं किले पर, है ना, और शाइस्ता खान के पास तो सिपाही भी ज्यादा होते हैं, ऊंट हाथी और उसके अलावा तोप, तो सिपाही को तो वो लोग निपट लेते हैं, लेकिन तोप के आगे क्या हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। अब तोप तो एक तरह की मशीन होती है ना, उससे तो ब्लास्ट होता है, तो जाहिर सी बात है बमबारी होगी या बारूद फेंका जाएगा तो सिपाही तो बहुत सारे मारे जाएंगे एक साथ। तो इस तरह बहुत ज्यादा अच्छे से 2 महीने तक लड़ने के बाद फिर भी फिरंगोजी नरसाला क्या हो जाते हैं, पस्पा हो जाते हैं, हार जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, किसके आगे बच्चों, शाइस्ता खान की तोप खाने के आगे, किसके आगे बच्चों, तोप खाने के आगे। रिपीट करेंगे बच्चों, किसके आगे पस्पा हो गए, मराठी किसके आगे पस्पा हो गए, आवाज आ रही है लड़कियों, यस मैम, हाँ किसके आगे पस्पा हो गए, मैंने कहा
तोप खाने के आगे, किसके आगे बच्चों? तोप खाने के आगे क्या पड़ जाते हैं फिरंगोजी नरसाला? कमजोर पड़ जाते हैं, होते हैं वो ये देखते हैं और सोचते हैं कि ये मतलब इतने कम सिपाहियों के साथ क्या कर रहा है, इतने अच्छे से लड़ाई लड़ रहा है, तो उससे बहुत कैसे कोई अच्छा काम करता है तो हम लोग कैसे मतलब वो पसंद करने लगते हैं। तो ऐसे ही ये शाइस्ता खान जो होता है वो क्या करने लगता है, फिरंगो जी को पसंद करने लगता है। वो अच्छा सरदार है ना, ये क्या कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, तो वो क्या करते हैं फिरंगो जी को शहंशाह यानी औरंगजेब के पास काम करने के लिए लालच देते हैं कि तुम क्या करो शिवाजी को छोड़ दो और हमारे बादशाह यानी औरंगजेब के पास हुकुमरान के पास आकर नौकरी करने लगो यानी हमसे मिल जाओ। लेकिन फिरंगोजी क्या होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, शिवाजी के अच्छे सिपाही होते हैं, वो क्या करते हैं नहीं मानते है ना, यानी कि वो राजी नहीं होते कि मैं तुम्हारे बादशाह से नहीं मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ काम करूंगा। सबको यहाँ तक सबको समझ में आया तो मुझे बताएंगे कि शाइस्ता खान कौन सा किला फतेह किया? शाइस्ता खान ने चाकन किला फतेह किया। वेरी गुड, चाकन किला, गंगा किला। तो एक अगर जवाब दे देता है ना एक या दो लोग तो फिर आप तीसरा जवाब नहीं देंगे, तीसरा आप कहाँ डालेंगे, चैट बॉक्स में, ठीक है? शाबाश। चलो, चाकन किले के सरदार कौन थे बच्चों? चाकन किले के सरदार कौन थे बच्चों? फिरंगोला। वेरी गुड। चलो सवाल नंबर तीन पे हम चलते हैं। कितने महीने मुकाबला, कितने महीने मुकाबला चला था बच्चों चाकन में? दो महीने। अच्छा, और किसके आगे पछता हो गई, किसके आगे हार गई, कमजोर पड़ गई, किसके आगे पड़ गई थी बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश है ना, यानी आपने पूरे सबक को अच्छे से सुना। चलो अब ये हमारे सबक का आखिर हिस्सा है ना, तो आपको इसको भी लोग अच्छे से जवाब दे सको। क्या लिखा है बच्चों? शाइस्ता खान लाल महल में। पहले पढ़े थे हमने लाल महल में, खास बात हुई थी क्या पहले शिवाजी के ताल्लुक से? बताओ तो मुझे, लाल महल में हाँ या नहीं? जीजा माता ने बड़े धूमधाम से शिवाजी की शादी की थी लाल महल में, हम पिछले अजबाक में पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ा जाता है उसको जहन में रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। शाइस्ता पहुंचे महल में लाल, बैठ गए वो डेरा डाल, लाल महल में किया कयाम, परेशान हो गई। शाइस्ता खान क्या करते हैं? चाकन किला फतेह कर लेते हैं। अब अगर हम किसी चीज में जीत जाते हैं ना तो हमारा हौसला क्या हो जाता है बच्चों? और बढ़ जाता है। तो ऐसे ही शाइस्ता खान और जो हौसला है और बढ़ जाता है कि हमें और भी इलाकों पर क्या करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए। तो वो चाकन से निकलकर कहाँ पर पहुंचते हैं? लाल महल पर, पूना में है। कहाँ पर? इमारत की देखकर ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये लाल है ना, रंग भी लाल है और उसका नाम भी क्या है, लाल महल, ठीक है? शाइस्ता खान क्या करते हैं बच्चों? लाल महल पहुंच जाते हैं। और शाइस्ता खान ने पूना पहुंचकर शिवाजी महाराज के लाल महल में कयाम किया। कयाम करने का क्या मतलब है पता है आप लोग को? कयाम करना कब्जा अलग है, कयाम यानी ठहर जाना, रुक जाना है ना, अभी कब्जा नहीं किया, अभी आए हैं वो अभी ठहरे हैं। हाँ, शाइस्ता खान क्या करते हैं? लाल महल पहुंचते हैं चाकन किला फतेह करने के बाद, और लाल महल में जाकर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई मेहमान बिना बताए हमारे घर आ जाए और रुक जाए तो क्या होगा? हमें गुस्सा आएगा है ना, एक दो दिन तो हम मेहमान को क्या करेंगे, जी हुजूरी कर लेंगे, हाँ मेहमान है इसलिए। लेकिन अगर वो जाने का ही नाम ना ले तो क्या हो जाएगा? हमें गुस्सा आएगा ना, बुरा लगेगा। हाँ या नहीं? क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है ना बच्चों, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। जो हमारे टाइम टेबल होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं, खाना पीना या जो भी चीजें ना, तो वो क्या हो जाती है, एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह यहाँ पर हम देख रहे थे कि शाइस्ता खान जो क्या करते हैं, लाल महल में ठहर जाते हैं है ना। और शाइस्ता खान के सिपाही पता है क्या करते हैं?
लाल महल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। देख रहे हैं कैसे घेर रहे हैं? ये यहाँ से, ये यहाँ से, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी, चारों तरफ से क्या करते हैं, लाल महल को घेर लेते हैं। अब यानी उन्होंने क्या किया, किले पर कब्जा कर लिया। पहले तो वो सिर्फ ठहरे, अब क्या किया उन्होंने, किले पर कब्जा कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, यानी अपने अंडर में ले लिया। हाँ, तो अब क्या कर लिया, लाल किले को कब्जे में ले लिया, है ना। ठीक है, महल में रहना किसे पसंद नहीं होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी शाइस्ता खान क्या करते हैं, ठहर ही जाते हैं, लाल महल में जाने का नाम ही नहीं लेते। और कितने सालों तक बच्चों, 2 साल तक, कितने सालों तक बच्चों, 2 साल के लिए लाल महल में ठहर जाते हैं। 2 साल तक। अब आपको तस्वीर नजर आ रही है कोई, पहले तो एक इबारत नजर आ रही है, सिर्फ ठहरते ही नहीं बच्चों, बल्कि और क्या करते हैं शाइस्ता खान, द्रकाफ के इलाकों में, हाँ कब्जा तो जमाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आसपास के इलाकों में अपनी फौज भेजकर खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, लाल महल में रहेंगे वो लोग, अपने साथ इतनी सारी फौज लाए हैं, तो खाने पीने का सामान तो लगेगा ही, और खाने पीने का सामान कहाँ से लाएंगे, वो लोग आसपास के इलाकों से ही लाएंगे ना। और जाहिर सी बात है, वो आसपास के इलाके के लोग उन्हें देने के लिए क्या करते होंगे, मना करते होंगे, या जो भी, क्योंकि वो तो शिवाजी के साथी हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं शाइस्ता खान के साथी या फौज क्या करते हैं, शाइस्ता खान क्या करते हैं, आसपास के इलाकों में अपनी फौज को भेजते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, आसपास के इलाकों की खेती बाड़ी का जो इलाका होता है उसको बर्बाद करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर उनके जो गांव में आप लोग देखते हैं ना, लोग क्या करते हैं, मवेशी पालते हैं, जैसे भेड़ बकरी है, तो उन भेड़ बकरियों को, उन जानवरों को भी क्या करते हैं, शाइस्ता खान के जो सिपाही है वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। कौन कौन किस किस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक तो खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, और वहां के जो जानवर होते हैं उन भी पकड़ पकड़ कर लेकर आते, हाँ उनको भी पकड़ लाते हैं, उनको क्या करते हैं बच्चों, नुकसान पहुंचाते हैं। तो बच्चों अब ये हमारे सबक का आखिरी हिस्सा चल रहा है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। शाइस्ता खान ने किस महल में कयाम किया, यहाँ पर कौन से महल में ठहरे थे वो आकर बच्चों, लाल महल बच्चों, लाल महल में। ठीक है, खान के साथियों ने कौन सा इलाका बर्बाद किया, अभी आखिर स्लाइड में हमने देखे ना कहाँ पर बर्बादी की उन्होंने, गांव में क्या किया था, कौन सा इलाका था वो, जहाँ पर अनाज उगता है, कौन सी जगह होती है वो, नहीं अभी मैंने बताया ना आपको, फौज कहाँ पर जाकर बर्बादी कर रही थी, किसे सता रही थी आसपास के इलाकों में। चलो एक बार फिर से देख लो ये वाला, यहाँ पर कौन सा इलाका, ये बाई तरफ देखो, हाँ खेती बाड़ी का इलाका है ना बेटा, खेती बाड़ी का इलाका, खेत जो होते हैं वहां पर क्या करते हैं हम लोग, बर्बादी करते हैं ना, खराब करते हैं खेत को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा लेसन होता है खत्म। अब आती है बारी कदरे पैमाई की। वैसे तो आपने सवालात के जरिए कदरे पैमाई कर दी है, यानी आप लोगों ने जवाब दे दिए हैं, लेकिन लिंक के जरिए भी आपकी कदरे पैमाई की जाएगी, यानी आपको लिंक के जरिए एक पर्चा फिल करना है, सबमिट करना है, जैसा कि आप रोजाना करते आ रहे हैं बच्चों, है ना। उसकी लिंक ये है, मैं अभी ये लिंक चैट बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, फौरन आपको उस पर क्लिक करना है चैट बॉक्स में से, और वहां पर आपको 10 सवालों वाला एक पर्चा खुलेगा, हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक, और उससे पहले ऊपर जो मालूमात दी गई तमाम को फिल करना है, आपका स्कूल का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, हाँ आपका अपना नाम है, और ईमेल तो प्रॉपर आपको ठीक से भरना है, ताकि आपको इस इम्तिहान का जो सर्टिफिकेट है वो मिल सके। इसमें क्या है, सर्टिफिकेट मिलेगा, जीमेल में ईमेल में आएगा आपके, लेकिन कब आएगा बच्चों, जब आप ईमेल एड्रेस अच्छे से फिल करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे ही लिंक शेयर की जाएगी 5 से 10 मिनट रहेगा आपके पास, क्लिक करके आपको अच्छे से उसको फिल करके सबमिट करना है, ईमेल गलत नहीं डालेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि आपका सब सर्टिफिकेट मिस ना हो। आई बात समझ? यस मिस। आप लोगों ने अच्छे से जवाब दिए, है ना, इसलिए थैंक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लिंक की तरफ।
चैट बॉक्स में बच्चों हाँ चलो फौरन उसको ऑन करेंगे। अभी ये किसने बच्चों मैंने 797 वाली लिंक डाली है उसको आप लोग को क्लिक करना है ठीक है। ओके मिस 797 हाँ वो वाली लिंक को आपको क्लिक करना है। ये दरमियान में किसने ये लिंक डाली है उसको नहीं करना है क्लिक ठीक है। गूगल वाली आपको फॉर्म गूगल वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करना है ताकि आप लोग अपने जवाब फिल कर सको ठीक है। और जल्दी जल्दी करेंगे और जिसका हो जाएगा फिर वो हैंड ओवर का अपना मैसेज चैट बॉक्स में डाल देगा ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि आपने अपनी लिंक फिल कर ली है ठीक है। आपके पास 5 मिनट बचो जल्दी जल्दी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो आप लोग पूछ सकते हैं ठीक। अगर आपको लिंक में कोई मसला हो रहा है कुछ पूछना है तो आप लोग फॉरन पूछेंगे। बार बार कह रही हूँ कि ईमेल बिल्कुल भी आपको गलत नहीं डालना है ताकि आपके सर्टिफिकेट मिस ना हो। शाउफ्ता मिस इन लोगों को हम लोग 5 मिनट दे सकते हैं ना लिंक के लिए कुछ। जिसमें जहीदुल है जिसको 10 मिले हैं। बच्चों आपका हो जाता है तो आप लोग हैंड ओवर करके यहाँ पर बताएंगे चैट बॉक्स में कि आपने लिंक फिल कर लिए ठीक है। एक मिनट और देख लेते हैं मिस फिर क्लोज करते हैं ठीक है। मैं बाकी बच्चों के जो भी रिप्लाइज रहेंगे मिस मैंने सबमिट कर दी। जी बेटा जी कितना मिला आपको स्कोर आपने चैट बॉक्स में डाला। नो मिस। हाँ बेटे क्यों नहीं डाले डालो। 10 में से 9 आया। वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे है ना अच्छा लगा ना लेसन। Yes, miss. सवाल भी बहुत आसान है जो सवाल आप लोग पढ़ चुके हो वही है। वेरी गुड बहुत अच्छे आप लोग ने बच्चों साथ दिया जवाब दिए और लिंक को भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सभी भर रहे हैं क्योंकि चैट बॉक्स में भी मैं देख रही हूँ और बाकी मेरे जो उसमें है रिप्लाईज का है ऑन है तो उसमें भी आपके जो आ रहे हैं रिप्लाईज ठीक है। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही हमेशा पढ़ते रहें खुश रहें और जैसा कि समीरा मिस ने आपको फ्रूट्स के बारे में बताया फलों का इस्तेमाल करें तवाना रहें खुश रहें सेहतमंद रहें ठीक है। और इंशाल्लाह छुट्टियों को अच्छे से इंजॉय करें। अभी दिवाली की छुट्टी आने वाली है ना जैसे आपने yes, पढ़ाई yes. के सिलसिले को इंजॉय किया वैसे ही आप लोग क्या करेंगे छुट्टियों को भी इंजॉय करेंगे और फिर छुट्टियों के बाद एकदम तैयार रहेंगे पढ़ाई के लिए दोबारा ठीक है चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो ठीक है बेटा। जज़ाकअल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मिस आपका भी जज़ाकअल्लाह।